नमस्कार दोस्तों, स्वागत है व्यूज एंड फैक्ट्स चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन करेंसी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय करेंसी पर गवर्नर के सिग्नेचर तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन एक ऐसा नोट भी है जिसके ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते। तो उससे पहले हम कुछ और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आज के वक्त में हमारे देश का सबसे बड़ा नोट है 2000 रुपये का नोट, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब हमारे देश में 5000 और 10000 के नोट भी होते थे। अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जो फटा हुआ है और 51% तक वो नोट फटा हुआ है, तो आप उसे बैंक में जाके जमा करवा सकते हैं, आपको उसके बदले में दूसरा नोट मिल जाएगा। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से IJOXYZ ये लेटर आपको नोट में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और कीबोर्ड से आप रुपए का सिंबल चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का सिंबल प्रेस करना पड़ता है, जिससे आप रुपए के सिंबल को लिख सकते हैं। RBI ने जनवरी 1938 में पहली बार 5 रुपए की करेंसी छापी थी, जिसके ऊपर किंग जॉर्ज 6 का चित्र था। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये पहले नहीं होता था। ये सन 1957 में लागू किया गया था कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। पहले आने होते थे जिसमें 1 रुपए के अंदर 16 आने होते थे। साल 1917 में भारत का 1 रुपए लगभग $13 के बराबर था। फिर आज़ादी के समय 1947 में 1 रुपए $1 के बराबर कर दिया गया। आज के दिन अगर देखा जाए तो $1 की कीमत ₹70 हो गई है, जो कि बहुत कम है। हिंदी बंगाली समेत भारतीय नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखी होती है। साल 2011 में पहली बार सिक्के पर रुपए का साइन छापा गया था। सुनने में आया था कि बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपए के सिक्के की तस्करी कर रहा था, क्योंकि 5 रुपए के सिक्के में 6 ब्लेड बनते थे और हर ब्लेड की कीमत 2 रुपए की थी। जब यह बात भारत सरकार को पता चली, तो भारत सरकार ने इसमें इस्तेमाल होने वाले मेटल को बदल दिया। साल 2011 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से 25 पैसे रद्द कर दिए गए। हमारे देश में रुपए की इस्तेमाल 16वीं सदी से मुगलों के जमाने से होता आ रहा है। आज जो आप रुपए का साइन देखते हो, इसे बनाने वाले का नाम उदय कुमार है। 15 जुलाई 2010 में उनके इस चित्र को भारतीय मुद्रा के साइन के तौर पर मान्यता मिल गई। आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान भारतीय नोट ही इस्तेमाल करता था, और वो तब तक भारतीय नोटों का इस्तेमाल करता रहा जब तक उसने अपनी करेंसी नहीं बना ली। भारत में 2 रुपए से लेकर 2000 तक की नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं, और सिर्फ 1 रुपए का जो नोट है वो भारतीय सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है। हर सिक्के के नीचे एक छोटा सा निशान बना होता है, और यह निशान 3 तरह के होते हैं, डॉट, हीरा और सितारा। इस निशान से आप यह पता कर सकते हैं कि वह सिक्का भारत के किस शहर में बनाया गया है, और जिसके नीचे कोई भी निशान नहीं होता वो सिक्का कोलकाता में बनाया जाता है। भारतीय नोटों पर अलग अलग तरह के तस्वीर छपी होती है, जैसे 10 रुपए के नोट पर हाथी, गैंडा और शेर की तस्वीर छपी होती है। वहीं 20 रुपए के नोट पर अंडमान द्वीप की तस्वीर छपी होती है। हमारे नए 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर भी छपी हुई मिल जाएगी आपको। इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका की करेंसी भी रुपया ही है। भारत में पहली बार सन 1907 में 500 रुपये और 1909 में 1000 रुपये के नोट को बनाया गया था। आज़ादी के बाद सन 2000 में पहली बार 1000 रुपए का नोट को बनाया गया। वर्ष 2016, ये तारीख तो शायद आपको अच्छे से याद होगी, 8 नवंबर 2016, जो कि कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि उसी दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करप्शन को रोकने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट अचानक से रद्द कर दिए, और नए 500 और 2000 के नोट को लागू कर दिया गया। आज़ादी के बाद भारत में सिक्के तांबे और एल्यूमिनियम के बनते थे, फिर सन 1988 से सिक्के स्टेनलेस स्टील के बनने शुरू हुए। जब हम बच्चे थे तब हमें लगता था कि हमारे नोट कागज़ से बने हुए हैं,
लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। भारत के सारे नोट कागज के नहीं बल्कि कॉटन के बने होते हैं। 25 अगस्त 2017 में आरबीआई ने पहली बार 200 के नोट को जारी किया और आने वाले समय में हो सकता है 50 और 1000 के नोट भी आ जाएं। 10 रुपए के सिक्के को बनाने में 6 रुपए 10 पैसे की लागत आती है। स्टेनलेस स्टील से बने 2 रुपए के सिक्के को पहली बार सन 1988 में लाया गया। क्या आपको पता है हमारे देश में 75, 150, 1000, 60, 100 और 125 के सिक्के भी जारी किए गए हैं। साल 2010 और 2011 में आरबीआई के 70वीं सालगिरह, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जन्म दिवस और बृहदी सवरार मंदिर के 1000 साल पूर्ण होने के अवसर पर भारत में पहली बार 75, 150 और 1000 रुपए के सिक्के डाले गए। पहला पेपर नोट जारी करने वाला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था और अभी इसी बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा सन 1899 में पहली बार 10,000 रुपए का नोट जारी किया गया था। फिर सन 1938 में आरबीआई द्वारा पहली बार 10,000 रुपए का नोट जारी किया गया। क्या आप जानते हैं हमारे देश में 2.5 रुपए के नोट भी एक जमाने में चलन में थे। भारत सरकार ने वर्ष 1917 में 2.5 रुपए के नोटों को लागू किया था और फिर आरबीआई द्वारा वर्ष 1938 में इसे रद्द कर दिया गया। आजादी के समय पहली बार सन 1949 में आरबीआई द्वारा 5,000 और 10,000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। फिर एक बार ये फैसला लिया गया कि 28 अप्रैल 1949 से पहले के जितने भी नोट हैं उनको रद्द कर दिया जाए। हाल फिलहाल में आरबीआई 5 रुपए से लेकर 2,000 रुपए के नोट छापता है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग व्यूज एंड फैक्ट्स अबाउट करेंसी। तो इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग व्यूज एंड फैक्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी थी। धन्यवाद।